जैसे आपको पता है आम इंतखाबात होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, तो आपका इंतखाब किसको होगा? पीटीआई की। इलेक्शन हो रहे हैं, सिलेक्शन हो रहे हैं? हमारा किसी को भी नहीं है भाई। क्या वजह है? बहुत सी वजह है। इमरान खान जिंदाबाद। अगर लाइक करूं तो जमाती इमरान खान। इमरान खान अंडे वाला बर्गर। इस वक्त आपको पाकिस्तान का कौन सा लीडर सबसे ज्यादा पसंद है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद अब्दुल राफे कराची वाइब्स की एक और वीडियो में मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी मार्केट पे, जहाँ पे एतराफ़ में सराफा मार्केट है और दूसरी तरफ फर्नीचर मार्केट है और तीसरी एतराफ़ में मेरे सामने जियो मोबाइल मार्केट है। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ सर्वे के लिए कि लोगों की आने वाले इलेक्शन में क्या राय है, कि वो किसके साथ खड़े हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इलेक्शन होने जा रहे हैं तो किसको वोट देंगे? किसी को भी नहीं भाई। क्या वजह है? इस दफा दे दें। फिर भी आपकी कोई राय होगी जाती? इलेक्शन होने जा रहे हैं किसको वोट देंगे? इलेक्शन होने जा रहे हैं किसको इंतखाब करेंगे? पतंग को। इलेक्शन होने जा रहे हैं किसका इंतखाब करेंगे? फरवरी को सुना है इलेक्शन हो जाएंगे, अगर होते हैं तो आपका इंतखाब क्या होगा? सारे इलेक्शन जरूर होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, इलेक्शन होने जा रहे हैं किसका इंतखाब करेंगे? तो आपको क्या लगता है? इमरान खान के अलावा कोई और है? आपका इंतखाब इमरान खान है। कोई वजह? ईमानदार तो है, मतलब भागा तो नहीं ना यार, तो वो जेल में बैठा हुआ, ये मेरा स्टेटस है। हमारा भी ये बिल्कुल ऐसा ही। जैसा कि आपने देखा, जज्बाती हो गए थे हमारे भाई, कितनी जाहिर बात है उनका लीडर है, तो अपने लीडर के साथ वो आखिरी वक्त तक खड़े होने का दावा भी कर रहे थे। और इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, इलेक्शन होने जा रहे हैं किसको वोट देंगे? आपका इंतखाब क्या होगा इस इलेक्शन में? मेरा कोई इंतखाब नहीं। फिर भी अगर लाइक करूं तो जमाती हमारे मुल्क के बुजुर्ग हैं और इनकी राय हमारे लिए काबिल एहतराम है, जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए भी देखा और उसके बाद पाकिस्तान किस तरह चला, अच्छा भी अच्छा देखा जब पाकिस्तान खुशहाल था। आइए इनसे पूछते हैं कि आने वाले वक्त में जो इलेक्शन आ रहा है तो उसमें ये किन को सपोर्ट कर रहे हैं? इमरान खान। चलो होने जा रहे हैं आपका। इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपका इंतजाम क्या होगा? पीपल्स पार्टी। इमरान खान। दोबारा बोले इमरान खान। इलेक्शन होने जा रहे हैं किसको वोट दीजिए? अस्सलाम वालेकुम। सर इलेक्शन होने जा रहे किसको वोट डालेंगे? अच्छे करेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान आया तो बेहतर है। हमारा इंतजाम तो वही है। तो हम किसके साथ खड़ी है? एमकेएम के साथ है। यहाँ कौन सी वाली है? एमकेएम कराची पाकिस्तान। इलेक्शन होने जा रहे हैं तो आपकी क्या राय है कि आप सपोर्ट किसके साथ है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अंडे वाला बर्गर। ऐसा कौन नजर आ रहा है आपको? तो राजीव ये जो ओरिजिनल शेर जेल में वही आए, मतलब वो निकाल तो नहीं रहे, उसको फिर कैसे आएगा? सही, मतलब आपका इंतखाब पीटीआई है। अस्सलाम वालेकुम सर, इलेक्शन होने जा रहे हैं किसका इंतखाब करेंगे? इलेक्शन होने जा रहे हैं किसको वोट?
इलेक्शन होने जा रहे हैं तो फिर किसको वोट देंगे? अच्छा अगर हो जाते हैं आप वोट कर रहे हैं अगर इलेक्शन होते हैं तो सबसे पहला सवाल ही बस रहा है कि जो नुमाना यहाँ पे खड़ा हो रहा है वो यहाँ के आवाम के लिए वो भी सोचा नहीं उसको करेंगे हमारे लिए अच्छा सोचा वो अच्छा हमारी पैसा सभी नजरियात तो किसी का मैच करते होंगे ना आपके नजरियात नहीं है भाई नियत ही नहीं होते नहीं है आप क्या चाहिए वहाँ तो यही चाहिए यार हमारे लिए को अच्छा पुराना मेहनत करते हुए बाइक चलाती भी आ रही है तो मुझे ये बताएं आने वाले इलेक्शन में आपका इंतखाब क्या होगा? जैसे आपको पता है आम इंतखाबात होने जा रहे हैं 8 फरवरी को तो आपका इंतखाब किसको होगा? पीटीआई की। क्या वजह है? करप्शन नहीं करते वो लोग इसलिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त आपको पाकिस्तान का कौन सा लीडर सबसे ज्यादा पसंद है? मैं नाम कायदे आजम। इस वक्त जो जिंदा है अब मैं नाम ले लेता हूँ आप उसमें से बताइएगा। आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी, नवाज शरीफ या इमरान खान? इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर इलेक्शन होने जा रहे हैं आपका इंतखाब किसको होगा? मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। क्या वजह? क्योंकि यहाँ वोट देने का कोई फायदा नहीं है। अवामी नुमाइंदे आके कहते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे और कुछ भी नहीं होता, इसलिए बिलावजा हम लोगों को वोट देना बेकार है। आप मौजूद हूँ यूपी की बहुत मशहूर फूलों वाली मार्केट में सिंध गवर्नमेंट के सामने। आइए यहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन होने जा रहे हैं आप किसको वोट डालेंगे? पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आप? पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप किसको वोट डालेंगे? वोट मेरा तो पहली दफ़ा है मगर देखेंगे जिसकी कारकर्दगी अच्छी होगी। अभी क्या लगता है कि अब तो वक्त भी कम बचा है फिर भी किस कोई तो कोई इंतखाब तो किया हुआ होगा? ये माजिर। माजिरों में कौन? माजिर में ये अपने जो चल रहे हैं माजिर वो वाले माजिर नहीं कराची वाले माजिर। ओके। कराची वाले माजिर। क्या इंतखाब है जनाब? मेरा इनाशी नहीं बना होगा। फिर भी एक दिल में किसी पार्टी को सपोर्ट? खान को। वालेकुम। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं आपका इंतखाब किसको है? जो भी अल्लाह का नेक बंदा आ जाए यार। आपको कौन लग रहा है अल्लाह का नेक बंदा? वो एक पीटीआई थी खान साहब थे वो तो है नहीं अब पता नहीं आएंगे भी नहीं आएंगे। उनकी जमात तो खड़ी हुई है। वैसे तो जमात इस्लामी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सर इलेक्शन में आपका इंतखाब किसको है? पीटीआई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जैसे कि आपको पता है 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं तो आपका इंतखाब किस जमात को होगा? इलेक्शन हो रहे हैं सिलेक्शन हो रहे हैं? मैं मानता हूँ सिलेक्शन हो रहे हैं मगर फिर भी आपकी एक जाती राय क्या है? इलेक्शन से तो फायदा इस मुल्क के आवाम को तो है नहीं, जो एक मखसूस तबका है उसी को फायदा, उसी के लिए सिलेक्शन हो रहा है सर। तो इसलिए आवाम तो बेवकूफ़ है जो वोट डालेगी और अपने तमाम मामला करेगी, क्योंकि इससे मुझे बता देना 1947 से लेके अब तक का क्या फ़ायदा हुआ इलेक्शन होने से? आप बताएं आप ही तक बहैसियत पाकिस्तानी है, हॉस्पिटल के बिल हमें पे करने हैं, पानी टैंकर से लेना है, बिजली ज़्यादा कीमतों में देनी है, गैस आनी नहीं है, सेवरी का निज़ाम सही होना नहीं, तो इलेक्शन कराने का फ़ायदा है क्या? करोड़ों रुपया खर्च करें फिर वहीं पर आके बैठें तो मसले का हल क्या निकलेगा इलेक्शन होने से? तो मेरे को तो किसी किस्म का कोई चेंज आता है वो नहीं दिखता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं आपका इंतखाब किसको है? PLP। आपका क्या वोट किसको है? चलो ठीक है। इलेक्शन होने जा रहे हैं आपका इंतखाब PLP भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इलेक्शन होने जा रहे हैं आप किसको वोट देंगे? हमारा तो ये है कि अपने TPL को आए या ये कोई जमाती जमात वाले ही आए, अब तो मुल्क का वही कुछ कर सकते हैं, बाकी तो सारे ऐसे ही हैं भाई, खा पी के सब बराबर है अब तो। सही बाजी आप देंगी वोट PLP? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन होने जा रहे हैं आपका इंतखाब किसको है? हमारा किसी को भी नहीं है भाई। क्या वजह? बहुत सी वजह है, काम कौन से होते हैं जो वजह किस वजह पे दें वोट आप बताएं? आप बताएं ना, ये तो आप बेहतर जानते हैं भाई। जिसको भी देंगे वह जो आएगा अपनी सियासत चमकाएगा और चले जाएगा, पहले भी ये हुआ अब भी ये हुआ,
इस पूरे मुल्क में आपको कोई ऐसा बंदा लगता ही नहीं है जो कि इस मुल्क की तकदीर बदले? नहीं, कोई भी नहीं है भाई, खुद ही बदल सकते हैं अगर बदलने के लिए निकले। ये आवाम निकल ले रही है, मुर्दार हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपका इंतखाब किसको है? हमारा इंतखाब आप पर है भाई, मीडिया जो करते हैं मीडिया कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप किसको वोट देंगे? जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे वोट। आपको कौन लगता है कि अच्छा काम कर सकता है? इस वक्त तो माशाल्लाह से पीटीआई है जिसका पूरे मुल्क के अंदर चर्चा है आजकल। आपका इंतखाब इमरान खान की पार्टी है? हमारी पार्टी तो ये है कि इमरान खान ने अच्छे भी काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है, और लोग घबराए हुए भी हैं इमरान खान से, तो उसके लिए मसले मसाइल पैदा कर रहे हैं लोग, और इंशाल्लाह ताला हमारी दुआ है वो ज़रूर आएगा। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा, अवामी राय आपके सामने थी कि मैं आज मौजूद था यूपी मार्केट में, जहाँ अवामुन्नास ने भारी अक्सरियत में इमरान खान को वोट दिया, और दूसरे नंबर पे अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वालों ने भी उनका भरपूर साथ देने की हिमायत करी। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले भी मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे उस तबके ने भी वोट ना देने का इरादा किया कि जो अल्ताफ़ हुसैन के हामी हैं। ये मैं वीडियो इख्तिताम करता हूँ, अगली वीडियो तक इंतज़ार करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे इजाज़त दिए, मैं सैयद अब्दुल राफे, अल्लाह हाफ़िज़।